नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बैंकिंग से रिलेटेड कोलैटरल सिक्योरिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। जीवन में हर शख्स को आगे बढ़ने के लिए कभी ना कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग तरह के लोन में अलग अलग शर्तें होती हैं। कुछ लोन्स में आपको बैंक के पास चीज़ें गिरवी रखनी पड़ती हैं। लोन लेते वक्त अगर आपका भी पाला कोलैटरल सिक्योरिटीज़ शब्द से पढ़ा है कभी, लेकिन इसका अर्थ आपको नहीं पता, तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कोलैटरल सिक्योरिटीज़ के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी देरी ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कोलैटरल सिक्योरिटीज़ होता क्या है। सबसे पहले समझिए कि लोन दो तरह के होते हैं। पहला अनसिक्योर्ड, जिसमें पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पर लोन लेना, जिसमें आपको कोई सिक्योरिटी नहीं जमा करनी होती है। दूसरा होता है सिक्योर्ड लोन, जैसे होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन। इन्हें लेते वक्त बैंक आपसे सिक्योरिटी रखवाता है। अब ये सिक्योरिटी भी दो तरीके की होती हैं, पहली प्राइम और दूसरी कोलैटरल सिक्योरिटी। अगर कर्जदार लोन नहीं चुका पाता है तो सिक्योरिटी वाली चीज़ बेचकर बैंक अपना पैसा निकाल लेता है, उसी को कहा जाता है कोलैटरल सिक्योरिटीज। अगर सिर्फ प्राइम सिक्योरिटी पर बैंक राजी नहीं है तब वह एडिशनल सिक्योरिटी के लिए कहता है। इन्हीं सिक्योरिटी को कोलैटरल सिक्योरिटी कहते हैं। चलिए दोनों में फ़र्क एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक घर लेना है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, लेकिन आपके पास सिर्फ 20 लाख रुपए हैं और बाकी पैसा आप लोन ले रहे हैं। बैंक आपको लोन तो देगा, लेकिन उसके चुकाए जाने तक घर की जरूरी कागज बैंक के पास गिरवी रहेंगे। ऐसे में वह घर ही प्राइम सिक्योरिटी है। अब मानिए आपको बिजनेस के लिए मशीनें खरीदनी हैं जिनकी कीमत फिलहाल 1.5 करोड़ है और आप वह पूरा पैसा बैंक से लेना चाहते हैं। बैंक आपको तब भी पैसा देगा, लेकिन तब बैंक करीब 2.5 करोड़ की सिक्योरिटी मांग सकता है। ऐसे में 1.5 करोड़ तो मशीनों की कीमत हो गई, बाकी 1 करोड़ की कोई चीज भी आपको बैंक के पास रखनी होगी, वही कोलैटरल सिक्योरिटीज कहलाएगी। कोलैटरल एक ऐसा एसेट होता है जो कोई लेंडर यानी कि ऋणदाता किसी लोन के लिए सिक्योरिटी के रूप में स्वीकार करता है। कोलैटरल रियल एस्टेट या अन्य एसेट के रूप में हो सकता है जो लोन के उद्देश्य पर निर्भर करता है। कोलैटरल लेंडर की सुरक्षा के रूप में काम करता है, अर्थात अगर उधारकर्ता अपने लोन भुगतान में डिफॉल्ट करता है तो लेंडर कोलैटरल को जब्त कर सकता है और इसे कुछ हिस्से या पूरे नुकसान की भरपाई के लिए बेच भी सकता है। कोलैटरल उधारदाता के लिए जोखिम का काम करता है। मॉर्गेज और कार लोन दो प्रकार के कोलैटरलाइज्ड लोन होते हैं। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अकाउंट जैसे अन्य पर्सनल एसेट का उपयोग भी कोलैटरलाइज्ड पर्सनल लोन सिक्योर करने के लिए किया जा सकता है। तो कोलैटरल किस प्रकार काम करता है? इसके पहले कि कोई उधारदाता आपको कोई ऋण देता है, वह जानना चाहता है कि क्या आपके पास उसे चुकाने की क्षमता है। यही वजह है कि कई उधारदाता कई प्रकार की सिक्योरिटीज चाहते हैं। इसी सिक्योरिटी को कोलैटरल कहते हैं, जो लेंडर्स के लिए जोखिम का काम कर देता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि उधार लेने वाला अपनी वित्तीय देनदारी को पूरा कर सकेगा कि नहीं। उधार लेने वाले द्वारा डिफॉल्ट करने की स्थिति में लेंडर कोलैटरल को जब्त कर सकता है और इसे बेच सकता है। लेंडर शेष रह जाने वाली राशि के लिए उधार लेने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना पसंद कर सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कोलैटरल कितने प्रकार के होते हैं। कोलैटरल की प्रकृति अक्सर लोन के प्रकार द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। जब मॉर्गेज करते हैं तो आपका घर कोलैटरल बन जाता है। जब आप कार लोन लेते हैं तो कार लोन के लिए कोलैटरल बन जाती है। लेंडर आमतौर पर जिस प्रकार के कोलैटरल स्वीकार करते हैं उनमें कार तभी शामिल होती है जब उनका भुगतान पूर्ण रूप से बैंक सेविंग डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में किया जाता है। आमतौर पर रिटायरमेंट अकाउंट को कोलैटरल के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। बहुत अल्प अवधि के ऋणों के लिए फ्यूचर पेचेक का उपयोग भी कोलैटरल के रूप में किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कोलैटरल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई। आशा करता हूँ आपको कोलैटरल के बारे में सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।